छत्तीसगढ़ पुलिस और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गुरुवार देर रात गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में छापेमारी की और उत्पाद विभाग तथा छत्तीसगढ़ उत्पाद विभाग के पूर्व सचिव अरुणप्रति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने बताया कि अरुणप्रति त्रिपाठी, जो शराब घोटाले में सिंडिकेट का सरगना है, राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी ने उत्पाद शुल्क विभाग के विशेष सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंधन निर्देशक के रूप में कार्य किया था। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की और फिर बताया कि अरुणपति अपनी पत्नी के साथ सिसई गांव में अपने रिश्तेदार के घर छिपे हुए थे। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और पुलिस की एक टीम ने घर में छापेमारी करते हुए उन्हें पकड़ लिया। गोपालगंज टीम ने उसे छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दिया। वहीं त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित सेक्टर 9 के रहने वाले हैं। गोपालगंज एसपी ने बताया कि शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद से त्रिपाठी फरार हो गया था और उसने अपना सेलफोन भी बंद कर दिया था। 15 फरवरी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अरुणपति त्रिपाठी को जमानत दी थी, जिन्हें कथित करोड़ों रुपए के शराब घोटाले के सिलसिले में 12 मई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि त्रिपाठी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शराब माफियाओं से रिश्वत, कमीशन और बेहिसाब धन लिया है। इसे एक सिंडिकेट की आय के प्रमुख स्रोतों में से बताया गया है। एजेंसी का आरोप है कि सीएमएससीएल सिंडिकेट के हाथों का कुटपुतली बन गया था। गुरुवार रात गिरफ्तारी के बाद त्रिपाठी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उसने दावा किया था कि ऐसे मामले में फंसाया गया है, इसकी जांच ईडी ने शुरू की है। मामले में परिचित छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 776 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने आया, जिस पर नई भाजपा सरकार ने नए सिरे से जांच का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।